जामुड़िया क्षेत्र अधीन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के दो एरिया ऑफिस का एक में विलय करने के विरोध में श्रमिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। ईसीएल सूत्रों के मुताबिक श्रीपुर एरिया को सात ग्राम एरिया के साथ विलय करने को लेकर ईसीएल प्रबंधन सोच विचार कर रही है और श्रमिक संगठन ने ईसीएल के इसी निर्णय के विरोध में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बहुत जल्द ही ईसीएल प्रबंधन जामुड़िया क्षेत्र में पड़ने वाले अपने दो एरिया को एक में मिलाने जा रही है और ईसीएल प्रबंधन के इस प्रस्ताव के भनक लगते ही श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से हल्ला बोलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ईसीएल प्रबंधन के इस निर्णय के विरोध में सभी श्रमिक संगठनों को एकत्र कर संयुक्त संग्राम समिति का भी गठन कर लिया। सोमवार श्रीपुर एरिया का विलय सात ग्राम एरिया में करने के विरोध में संयुक्त संग्राम समिति ने श्रीपुर क्षेत्र बचाओ के नारे के साथ निघा कोलियरी में विरोध प्रदर्शन एवं पदसभा की। पदसभा से यह आवाज उठी कि किसी भी कीमत पर श्रीपुर एरिया का दूसरे एरिया के साथ विलय करने नहीं दिया जाएगा। संयुक्त संग्राम समिति के कन्वेनर कमलेश पांडे का कहना है, साजिश के तहत श्रीपुर एरिया का विलय सात ग्राम एरिया के साथ किया जा रहा है, जिसका विरोध जेसीसी बैठक में किया गया था, किंतु इसके बावजूद भी ईसीएल प्रबंधन श्रीपुर एरिया का विलय सात ग्राम एरिया के साथ कर रही है। ईसीएल प्रबंधन के इस निर्णय को कभी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि श्रीपुर एरिया में कोयले का बड़ा भंडार मौजूद है। लाए हैं गेट मीटिंग और ये प्रत्येक कोलेरी में चलेगा, श्रीपुर एरिया में जो भी कोलेरीज है, और मुख्य मुद्दा है कि ऊपर कॉर्पोरेट लेवल से ऐसा बात आ रहा है कि इस एरिया को सात ग्राम में मर्ज किया जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इस संघर्ष में जो है जुड़े हुए हैं, ताकि किसी भी हालत में हम लोग सात ग्राम में इसको मर्ज नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को जितनी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग पूरे जैक वाले मिलकर आठ यूनियन है और हमारे इन मोसा वाले लोग भी साथ हैं, ये नौ यूनियन मिल के हम लोग एक साथ लड़ाई में उतरे हैं और आने वाले समय में इस लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे, संघर्ष को और तेज करेंगे और जो भी आने वाला समय है उसमें हम लोग प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग अगर ऐसा कोई मनसा बनाए हुए हैं तो इसको आप लोग जो है टाल दीजिए और श्रीपुर एरिया को मर्ज करने की बात किसी भी हालत में जो है भूलिए ना। अभी तक कोई कागजी कार्रवाई यहाँ तक नहीं आई है, लेकिन टॉप लेवल में जो बातें चल रही हैं उसके अनुसार मार्च तक जो है ऐसा कोई प्रपोजल आ सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। वही दूसरी ओर श्रीपुर एरिया के जीएम मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि विलय करने की कोई खबर या इस तरह की ईसीएल नोटिफिकेशन उनके पास नहीं है, विलय के बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। इस विरोध पदसभा में केकेएससी के कमलेश पांडे, मोहम्मद जब्बार, सियाराम शाव, विश्वनाथ बैनर्जी, INTTUC के मुक्तिनाथ दुबे, प्रताप कुमार सिंह, अभय नारायण सिंह, HMH से RP मंडल, राजकुमार सिंह, विजय सिंह, BMS से राजेंद्र यादव, विजय सिंह, मोहम्मद कमरुद्दीन और C2 से शीतल चक्रवर्ती, किशोर थोर, रामजी कोयरी एवं एटक से असगर अली खान, मोहम्मद सलार, डॉक्टर प्रमोद पाठक, विनय झा, अरुण पाठक, VK सिंह, ओम प्रकाश महतो आदि उपस्थित थे। संवाद सूत्र BN सिंह, पब्लिक टाइम्स। विगत 37 বছর ধরে ফার্নিচার জগতে আপনাদের ভরসায় একটাই নাম, রাজেশ ফার্নিচার। এবার নবরূপে নবসাজে গণপতি ফার্নিচার, যেখানে আপনারা পাবেন ফেলেক্স, সেলো, SPPL, কার্লন ইত্যাদি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বাড়ি এবং অফিসের সমস্ত ফার্নিচার। এর সাথে গণপতি ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারার স্পেশালাইজে আছে স্টিল ডোমেস্টিক আলমিরা, স্টিল অফিস আলমিরা, অফিস টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, ভিজিটার্স চেয়ার, উডেন বেড, ইঞ্জিনিয়ারিং উড ফার্নিচার ও আরো অনেক কিছু। এর সঙ্গে গণপতি ফার্নিচারে পাবেন EMI এর সুবিধাও। যোগাযোগ করুন NSP রোড রানীগঞ্জ আনন্দলোক বাস স্টপের নিকট, ফোন নম্বর 7602363191, 9333100564।